ACL सर्जरी की कितनी कॉस्ट रहती है? दोस्तों, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि आखिर ACL सर्जरी कितनी महंगी या कितनी कॉस्टली रहती है इंडिया के अंदर, और उसके रेट इतने अलग अलग क्यों हैं। तो दोस्तों, जब ACL सर्जरी की या PCL सर्जरी की हम बात करते हैं तो कॉस्ट डिपेंड करती है मेनली दो फैक्टर्स पे। पहला फैक्टर कि आपका अंदर जो इम्प्लांट लगा है नए ACL और PCL को फिक्स करने के लिए, वो कौन सा इम्प्लांट लगा है। दूसरा फैक्टर कि आप किस तरह के हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करा रहे हैं। आप एक प्राइवेट नर्सिंग होम में करा रहे हैं, आप एक छोटे सेटअप में करा रहे हैं, बुटीक सेटअप में करा रहे हैं, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करा रहे हैं, या आप बड़े मल्टीनेशनल कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करा रहे हैं। तो हम दोनों पे बात करेंगे एक एक करके। पहला, इम्प्लांट। तो दोस्तों, जब स्क्रू वाली सर्जरी होती है तो उसमें ऊपर वाली हड्डी में लगता है एंडोबटन। एंडोबटन टाइटेनियम का और स्टील दोनों का बना रहता है। नीचे वाली हड्डी टीबिया के अंदर जब स्क्रू लगाया जाता है तो वो स्क्रू टाइटेनियम का हो सकता है, स्टील का हो सकता है, बायो स्क्रू हो सकता है, या फिर पीक मटेरियल का स्क्रू हो सकता है जिसको बोलते हैं बायो कंपोजिट। अब इन सब के प्राइसेस में काफ़ी फर्क रहता है। जो इंडियन एंडो बटन आते हैं वो 2 से 3 हज़ार रुपये में आ जाते हैं। कई बार सर्जन वॉशर यूज़ कर लेता है जो सिर्फ 500 रुपये में आता है। अगर आप इंपोर्टेड एंडो बटन या फ्लेक्सिबल लूप जैसे टाइट्रो पार्टी की बात करें तो वो 20,000 से लेके 40,000 के बीच में आते हैं। उसी तरह से टाइटेनियम स्क्रू सस्ते आते हैं, 1,000 रुपये 2,000 रुपये के। अगर आप बायो स्क्रू लगा रहे हैं तो बायो स्क्रू की कॉस्ट पड़ जाती है 10,000 से लेके 20,000 तक, और जो पीक बायो कंपोजिट की स्क्रू की कॉस्ट भी 15,000 से 20,000 के बीच में आती है। इसीलिए स्क्रू वाली सर्जरी जब कोई भी सर्जन करता है तो उसकी कॉस्ट कम रहती है क्योंकि इम्प्लांट सस्ते होते हैं। दूसरी सर्जरी होती है ऑल इन साइड विद फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस ACL रिकन्स्ट्रक्शन या PCL रिकन्स्ट्रक्शन। जब ये सर्जरी करते हैं तो इम्प्लांट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। क्यों इंक्रीज़ हो जाती है? क्योंकि इसमें टनल बनाने के लिए स्पेशल फ्लिप कटर का यूज़ किया जाता है जो कि डिस्पोजेबल आता है कंपनी की तरफ से। तो फ्लिप कटर भी 40,000 रुपीज़ के अराउंड आता है जो हर केस में हमें यूज़ करना पड़ता है अलग। फ्लिप कटर की कॉस्ट ऐड हो जाती है। ऊपर वाली हड्डी फीमर के अंदर ऑल इन साइड विथ फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस सर्जरी में टाइट रोप RT लगाया जाता है। ये एक एडजस्टेबल लूप है जिसमें नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये कॉस्ट करता है 30,000 से 40,000 के अंदर। नीचे वाली हड्डी के अंदर टाइट रोप लूप लगाया जाता है जिसकी कॉस्ट लगभग 15,000 से 20,000 रुपये होती है, और नीचे लगाया जाता है आर्थरेक्स का कॉनिकल बटन जो कि टाइट रोप लूप में फिक्स हो जाता है। इसकी भी कॉस्ट 10,000 से 15,000 के बीच में होती है। तो दोस्तों, जब ऑल इन साइड सर्जरी करी जाती है तो ये सारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए ऑल इनसाइड के इम्प्लांट कॉस्ट बहुत महंगी पड़ती है। उसी तरह से अगर आप स्क्रू वाली सर्जरी करवाते हैं तो नॉर्मल हॉस्पिटल्स के अंदर नर्सिंग होम में इसकी कॉस्ट टोटल इम्प्लांट को मिलाकर आनी चाहिए लगभग 70,000 रुपीज़ से लेकर लगभग 1,25,000 रुपये तक के अंदर। अगर आप यही चीज़ कॉरपोरेट या बड़े हॉस्पिटल में करा रहे हैं तो इस चीज़ की कॉस्ट लगभग लगभग आती है 1.5 लाख रुपए से लेके 2 लाख के बीच में स्क्रू वाली सर्जरी की। अगर आप ऑल इन साइड विथ फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस सर्जरी करा रहे हैं जिसके अंदर फाइबर टेप और फाइबर वायर्स की भी कॉस्ट ऐड हो जाती है, नॉर्मल हॉस्पिटल के अंदर इसकी कॉस्ट लगभग 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में पड़ेगी क्योंकि इसके इम्प्लांट ही बहुत महंगे हैं और इम्पोर्टेड इम्प्लांट है, मेड इन USA। अगर यही सर्जरी आप बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल में करा रहे हैं तो इसकी कॉस्ट आती है 2.5 लाख से 3 लाख रुपए के बीच में। तो दोस्तों, ACL सर्जरी 70,000 से लेके 3-3.5 लाख रुपए तक की होती है। डिपेंड करता है कि आप कौन सी सर्जरी करवा रहे हैं, आप कौन सा इम्प्लांट यूज़ कर रहे हैं, कौन सा स्क्रू यूज़ कर रहे हैं, ऑल इन साइड विथ फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग करा रहे हैं या नॉर्मल स्क्रू सर्जरी करवा रहे हैं, और आप किस तरह के हॉस्पिटल सेटअप में अपना इलाज करा रहे हैं। अमूमन इन सारी सर्जरीज़ के अंदर सर्जन फीस लगभग लगभग फिक्स होती है दोस्तों इंडिया के अंदर। तो जो भी एडिशनल चार्जेज है या जो भी आपको डिफरेंस लोग बता रहे हैं कि कोई डॉक्टर साहब 1 लाख में कर रहे हैं, वही 1.5 लाख में भी हो रही है, वही सर्जरी 2.5 लाख में भी हो रही है, तो वो कॉस्ट डिफरेंस इसलिए आती है क्योंकि हॉस्पिटल हो सकता है कॉरपोरेट या बहुत बड़ा और बहुत अच्छा हॉस्पिटल हो जहाँ पर महंगी सर्जरी हो रही है, या फिर इम्प्लांट उस तरह के हैं
जो कि वाकई में कॉस्टली आते हैं, जैसे ऑल इनसाइड विथ फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग। पर जब हम ऑल इनसाइड विथ फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग का इम्प्लांट यूज़ करते हैं, सारा आर्थरेक्स कंपनी का मेड इन यूएस है, तो उसके रिजल्ट्स फिर उसी तरह से स्क्रू वाली सर्जरी से बहुत बेहतर आते हैं। आप अगले ही दिन से अपना पैर बैंड कर सकते हैं 90 डिग्री तक, 1 महीने में आप जॉगिंग कर लेते हैं, और 3 महीने के अंदर अंदर आप दोबारा गेम में और रनिंग में वापस चले आते हैं सर्जरी के बाद।